हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे 200 दो स्विच का एक्सटेंशन बोर्ड कैसे बनाएं। ये 4x7 की शीट है, इसमें 5 एम्पीयर के दो स्विच और दो इसमें सॉकेट लगी हुई है और इसमें 1 square mm की वायर लगा देंगे जिसमें हम इसमें 1 kW तक का लोड चला सकते हैं। ये 4x7 का लकड़ी का बॉक्स है, इसी पर हम ये शीट लगा देंगे। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाएं। तो करते हैं इसके कनेक्शन। तो दोस्तों, इसके लिए एक तार ले लें और इन दोनों स्विचों के बीच में एक लूप वायर लगा दें। वायर को प्लायर की मदद से इसको छिल लें और हाथ से लपेट कर इसको स्विच के पॉइंट में लगा दें। तो ये मैंने लगा दी है और पेच को टाइट कर दें, स्विच के पेच को टाइट कर दें और अब हम इसमें सॉकेट और स्विच में एक तार लगा देंगे। तो एक वायर का टुकड़ा आगे से छिल लें और इसको नाप लें कहाँ से कहाँ आता है। इसके बाद में दूसरे सिरे को भी छिल लें। एक पिन में लगा देंगे, इसको टाइट करके दूसरे सिरे को स्विच के पॉइंट में लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने इसमें ये वायर का टुकड़ा लगा दिया है। इसी तरह दूसरी सॉकेट में भी एक वायर का टुकड़ा लगा दिया। तो मैंने ये दोनों बराबर के टुकड़े काट लिए हैं, इसको भी दोनों तरफ से छील लें। इसका भी एक सिरा स्विच के पॉइंट में लगा दिया और फिर इसको टाइट कर दिया। दूसरे सिरे को सॉकेट के सिरे में पिन में जोड़ दें, दूसरे सिरे को सॉकेट के पॉइंट में जोड़ दें, पेच को टाइट कर दें। ये मैंने दोनों स्विचों में एक एक लूप वायर सॉकेट में जोड़ दी है। एक वायर का टुकड़ा और ले लेंगे जो कि दोनों पॉइंटों में जुड़ जाएगा जिसमें न्यूट्रल दिया जाएगा। तो इसको दोनों तरफ सिरों को छिल लें और एक सिरे को सॉकेट के पॉइंट में जोड़ लें। मैंने जोड़ दिया है, इसमें न्यूट्रल सप्लाई में। दोस्तों, ये जो बाहर से तार इसमें न्यूट्रल और पिन की इसमें जोड़ देंगे, तो जो नीचे वाला पॉइंट है इसमें ये ब्लैक वायर न्यूट्रल की है, ये इसमें जोड़ दें, इसको लपेट लें और सॉकेट के दूसरे पॉइंट में जोड़ दें, पेच को टाइट कर दें। अब फेज वायर इस स्विच में हम जोड़ देंगे। तो ये फेज की वायर है, इसको स्विच के पॉइंट में लगा देंगे। स्विच के पेच को टाइट करते हैं। इस तरह
एक्सटेंशन बोर्ड के कनेक्शन किए जाते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से हम समझ लेते हैं इसमें कौन सी तार कहाँ जोड़ी गई है। इसमें लाल रंग की तार फेज की है और ब्लैक रंग की तार न्यूट्रल की है। तो मैंने न्यूट्रल की न्यूट्रल सॉकेट के पॉइंट में जोड़ दी है और इसी में से एक तार लेके सॉकेट के दूसरे पॉइंट में जोड़ दी है और फेज की वायर स्विच में जोड़ दी है, जो कि लूप वायर के द्वारा दोनों स्विचों को फेज मिल जाएगा। और इसके बाद में जो स्विच का निचला पॉइंट है उसमें से एक लूप वायर लगा के सॉकेट में जोड़ दी है। इसी तरह से दूसरे स्विच में भी सॉकेट की वायर जोड़ दी। तो अगर हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये सॉकेट काम करेगी और दूसरे स्विच को ऑन करेंगे तो दूसरी सॉकेट ऑन ऑफ होगी। तो इसके लिए इसमें एक गांठ भी लगा दें ताकि तार इसमें से टूट के बाहर न निकले। तो मैंने इसमें ये तार जोड़ दी है और एक गांठ भी इसमें लगा दी है। इसमें हम चार स्टील स्क्रू लगा देंगे जिससे ये इसमें फिट हो जाए। तो मैंने स्क्रू ले लिया है और ये इसमें इस तरह से इसमें हम चारों स्क्रू लगा देंगे। अब ये एक्सटेंशन बोर्ड तैयार हो गया है। इस एक्सटेंशन बोर्ड में हम 1 किलोवाट तक का लोड आराम से चला सकते हैं। तो दोस्तों एक बार इसको चेक भी कर लें, तो मैं आपको चेक भी करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने ये सॉकेट चेक कर ली है, दूसरी सॉकेट को भी इसने चेक कर ली। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।